देख रहे हैं प्राइम डे के न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त की खबर जलौन उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां पर जलौन के माधोगढ़ जहां पर ग्राम डिकोली के मजदूर ने लगाई एसडीएम से न्याय की गुहार। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के बड़ो थाना क्षेत्र से सोमवार की सुबह अगवा हुए लोहा व्यापारी आदेश जैन को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। अगवा व्यापारी आदेश जैन की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस की 8 टीम के साथ एसटीएफ को लगाया गया था। 7 घंटे की मशक्कत के बाद व्यापारी को हरियाणा यूपी बॉर्डर के पास से बरामद किया गया। एडीजी मेरठ जोन राजीव सबरवाल ने प्रेस वार्ता कर इस बात की पुष्टि की। आपको बता दें, वारदात के बाद से बागपत पुलिस में हड़कंप था। घटना के खुलासे को 3 जिलों की पुलिस को लगाया गया। दरअसल आपको बता दें, सोमवार सुबह लोहा व्यापारी आदेश जैन अपने गोदाम से माल उतरवाने के लिए घर से निकले थे। संवाददाता वीरेंद्र तोमर की रिपोर्ट। गोदाम गए थे, क्या हुआ था पूरा आपके साथ एक बार जानना चाहेंगे। मैं घर से निकला और बड़ौत में ग्रोवेल स्कूल है उसके पास वैगनार खड़ी थी, मुझे पकड़ के उसमें डाल दिया और मेरी आंखें बंद कर दी। उसके बाद वे गाड़ी लेके चलते रहे। कितने लोग थे? 3 लोग थे, एक ड्राइवर, 2 उस गाड़ी में। अगर जिस गाड़ी से आपको लेके थे, फिर रास्ते में भी कहीं चेंज किया आपकी गाड़ी को? गाड़ी नहीं चेंज की, मेरे से तो यही बात की है उसने कि हमें धोखा हुआ, हमने ले जाना किसी और को था, ले गए थे। कहाँ की आवाज लग रही थी? आवाज कुछ हरियाणा की भी थी और कुछ हमारी यूपी की आवाज। किसी बड़े बदमाश का नाम भी ले रहे थे क्या? नहीं, मेरे आगे किसी का नाम नहीं लिया। पानी वानी पिलाया? क्या किसी से फोन पे भी संपर्क में थे? क्या किसी से फोन पे भी संपर्क में थे? नहीं। दूसरे किस व्यापारी को उठाने की बात कर रहे थे धोखे में जो लेके आपको? तो वो तो नहीं पता होगा ना मुझे। नो कह रहे थे एक तुम्हारे जैसे ये हेल्थी से थे और तुम्हारे से तो दुश्मनी नहीं थी हमारी। अब कह नहीं सकता जी मैं तो, क्योंकि हम तो किसी की बरामद हो गया पूरा समय। क्या डिटेल है? देखिए, आज दिनांक 26 तारीख को प्रातः एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना बड़ौत में जो अपहृत हैं श्री आदेश जैन, इनके पुत्र से सूचना प्राप्त हुई कि आज सुबह 5 बजे के करीब वे अपने घर से निकले थे, लेकिन ना तो अपने घर पर पहुँचे और ना ही दुकान पर लौटे ना ही दुकान पर पहुँचे। लेकिन इस दौरान 6 बजे के आसपास उसको अपने पिताजी के ही फ़ोन से एक कॉल आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप हमें 1 करोड़ रुपया दिलवा दीजिए, हमने अपहरण कर लिया है और यदि नहीं दिलवाओगे तो आपके पिता की लाश मिलेगी। इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक बागपत ने आसपास के सभी जनपदों को अलर्ट किया, प्रदेश के बाहर भी और प्रदेश के अंदर के जो जनपद गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बागपत की तो लगे हुए थे, साथ में बगल प्रदेश के सोनीपत जनपद को भी एसएसपी साहब ने खुद बात किया और सभी जगह एक सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया। जो घटनास्थल के आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज थी उसके एनालिसिस से पता लगा कि एक गाड़ी का पता लगा, साथ में एक से अधिक टीमों का भी पता लगा कि शायद इस घटना में एक से अधिक टीमें ने कार्यरत किया है। और उस पूरे एनालिसिस से उनकी अलग अलग जगह की लोकेशन जब चेक हुई तो यहाँ से लोनी बॉर्डर, बुढ़ाना बॉर्डर, बाकी सब बॉर्डर्स पे जो चेकिंग शुरू की गई, ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया, उन जंगलों के एरिया में आसपास में कॉम्बिंग की गई, तो फाइनली सफलता मिली जब श्री आदेश जैन को रटौल के पास से बरामद किया गया। इस घटना में जो पूरा एनालिसिस से ये पता लगता है कि ये शर्तियाँ है कि एक से अधिक टीम यूज़ हुई है, एक टीम जो इनको अपने साथ गाड़ी में लेके गई और दूसरी टीम जो शायद कुछ और चीज़ें मैनेज कर रही थी। हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं सीसीटीवी के एनालिसिस से और कई अन्य चीज़ों से, और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हम जो अपराधी हैं उनको पकड़े जाएंगे और उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। आदेश जी को आपने रटौल से बरामद कर लिया, कोई अपहरणकर्ता भी? जी नहीं, देखिए मैंने बताया ना, पुलिस ने काफ़ी घेराबंदी की हुई थी, सब जगह पे जांच रही थी, ड्रोन कैमरे उड़ रहे थे, अपहृत इसी को देख के घबरा के छोड़ के चले गए, लेकिन हमको उनके बारे में। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।